हम इसके आगे की बात करेंगे। अब हमको इसके ऊपर जो बनाना था ज्वाइंट करने के लिए, देखिए अब करना क्या है। पी आर प्रेसपुल फिर से आपको लेना है, पी आर ई डबल एस, ठीक है। इसको सेलेक्ट करिए, हाइड दीजिए पेन का। अगेन इसको सेलेक्ट करिए, इसको हाइड दीजिए टेन। ऐसे आप देते जाइए, ये देखिए 10 वन बाई वन करके, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, एस्केप करिएगा और एक बार सैडेड में आके चेक करिए, देखिए जो आपने बनाया है क्या वो बना है। ऑर्बिट रोटेशन कर लीजिएगा, देखिए एक आपका ये होल का, देखिए ये छूटा हुआ है, ठीक है। आपको करना क्या है, फिर से सैडेड एस्केप करिए, सैडेड से 2D में आइए और यही वाली पॉइंट आपकी छूटी हुई थी, ट्रेस फुल फिर से लीजिए। देखिए बन चुके हैं ये पूरे अच्छे तरीके से, दिख रहा होगा आपको। ब्लॉक को आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। और ये जरा ऊपर करिए, देखिए देखा आपको कैसे इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। देखिए पहले के वीडियो मैंने आपको बता रखा है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक्सिस दिखाएगा, ठीक है ना। सेलेक्ट करते ही तो आपको इस एक्सिस को पकड़ना है, जैसे पकड़ेंगे येलो हाईलाइट हो जाएगा, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाइए आप, ठीक है। क्लियर है, ऐसे आप ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए। स्केप करिए, रोटेट करके चेक करिए, देखिए इस ऊपर हाइट डिसाइड है, हाइट को मैंने नहीं बढ़ाया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने केवल देखिए ऐसे जो है छोटा कर दीजिए, देखिए देखा। बड़ा करना रहेगा, देखिए ये हमारा रहा, इस तरीके से लगा होगा। अगर आपको इसको डाउन करना है, इस जेड एक्सिस को ना पकड़ के आप इस टॉप को पकड़िएगा तभी ये डाउन जाएगा। एडजस्ट कर दीजिए आप अपने हिसाब से, रोटेट करके देखिए, हाँ ठीक है, इतना ये पिच पे गियर फंसा है, ठीक। अब आपको करना क्या है कि कॉपी करना है, सी ओ एंटर करिए। आप इन सभी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना, 15 16 एंटर करिए। सेंटर पॉइंट से आप ऊपर की तरफ दीजिए। अब कैसे पता चलेगा कि आपका ये सेंटर में जा रहा है, आप ऐसे करिए, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी करेंगे, जैसे ये सेलेक्ट है, ये देखिए दिख रहा कि नहीं आपको,
ये देखिए, तो ऑर्थो जब ऑन रहेगा तो ये इसके ऊपर ही बनेगा, आप उस हिसाब से ऐसे सेट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। देखिए ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, प्रेस पुल कमांड चलाइए। हाँ सेंटर पेज के, देखिए सेंटर है ना, ऐसे आप ऊपर कर दीजिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप डिजाइन को बना रहे हैं। ये देखिए ये सेंटर आया, दिख रहा है आपको? देखिए ये गियर के थ्रू कनेक्टेड है, आप इस गियर को भी क्या करिए, कॉपी करिए, CO एंटर करिए, इस गियर को पकड़िए, या आप ऐसे गियर को भी पकड़ सकते हैं इसके टॉप व्यू में जा करके। देखिए ठीक है, ये गियर है हमारा, CO एंटर करिए, सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, सेंटर पॉइंट देखिए इसका कहाँ है, पकड़िए, ये देखिए ये है। अब जरा सा आप इस व्यू को ऐसे कर दीजिए और देखिए ये कहाँ आ रहा है, ये देखिए मिला आपको। ठीक, क्लिक कर दीजिए, देखिए बना आपका। अब ये जो चीज है ये इस पे लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसको भी CO एंटर करिए, सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, ठीक है, इसके इस पॉइंट से पकड़िए और आप सीधे जो है, ये देखिए ये दिखा आपको, ये ऐसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, अब घुमा के देखिए, ठीक, तो यानी इसके अभी सेंटर में सेट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, टॉप में आइए ऐसे और एम एंटर करिए, सेलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट पे क्लिक करिए और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दिए। देखिए समझ में आया आपको, ये देखिए अब इसके सेंटर पॉइंट पे आ गया। अब यही जो है लॉक होता है इस पे, लॉक जो हम चलाते हैं, आप इसको पकड़िए और बढ़ाना है आपको, तो देखिए ऐसे ऊपर करेंगे तो ये शिफ्ट होगा, तो ये नहीं करना है आपको, ये वाला देखिए जो बड़ा डॉट दिख रहा है ना, लेंथ होता है ये, इसको पकड़िए, इसको ऐसे अटैच करिए, स्केप करिए, अगेन रोटेट करिए, ठीक है, स्केप करिए, पकड़िए, ये देखिए ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसको पकड़िए और ऐसे सेलेक्ट करिए, फिर स्केप करिए, रोटेट करिए, घुमाइए, फिर स्केप करिए, इसको ऐसे पकड़िए, आगे जो है ऐसे एक्सटेंड करिए, ठीक, फिर रोटेट करिए, स्केप करिए, इस पॉइंट को पकड़िए, ये ब्लू वाले को पकड़िए और ऐसे बना दीजिए। ठीक, अब आप इसको देखिए पूरा रोटेट करके, देखिए ये कैसे ये बना हुआ है, ठीक है। अब रहा सवाल, इसको ये जो बना पड़ा है हमारा इस पे और ये कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो सिंपल है, स्केप करिए, वायर फ्रेम में आइए। ठीक, अब आपको करना क्या, प्रेस टूल चलाना है, जहां ड्राइंग रहेगी वहीं आपका ये उठेगा और ये वाला हमको चाहिए,